उत्तर प्रदेश के 21 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर सोमवार को लखनऊ के कैंट में सीट से बसपा के उम्मीदवार अरुण द्विवेदी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर बहुजन समाज पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी मौजूद रहे। उन्होंने बातचीत के दौरान सतीश चंद्र मिश्रा से दावा करते हुए कहा कि गठबंधन के बीएसपी प्रत्याशी 11 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि हमीरपुर के नतीजों से बीएसपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वह सभी जगहों पर बसपा की स्थिति मजबूत है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ कैंट से मेजर आशीष चतुर्वेदी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं बीजेपी ने सुरेश तिवारी को चुनाव में मैदान में उतारा है। बता दें कि यूपी में 11 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें फिरोजाबाद की टुंडला को छोड़कर बाकी सीटों की चुनाव की तारीख का ऐलान किया गया है। इनमें रामपुर, सहारनपुर की गंगोह, अलीगढ़ की इगलास, लखनऊ कैंट, बाराबंकी की जैतपुर, चित्रकूट की मानिकपुर, बहराइच की बलहा और प्रतापगढ़ मऊ की घोसी सीट और अंबेडकर नगर की जलालपुर सीट शामिल है। इन 11 विधानसभा सीटों में से रामपुर की सीट सपा और जलालपुर की बसपा के पास थी, बाकी सीटों पर भाजपा का कब्जा था। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब की बार यहाँ पर किसकी सीट कितनी होती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें SPN 9 न्यूज़ पर। हर्ष की रिपोर्ट।